राहुल गांधी विदेश यात्रा पर है, जब भी वो विदेश जाते हैं चर्चा देश में उनके बयानों को लेकर होने लगती है। आजकल कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने लेक्चर दिया और भारत के लोकतांत्रिक संस्थाओं के कमजोर होने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यशैली पर उन्होंने वहाँ पर सवाल उठाए और अपने लेक्चर में उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कहीं जिससे भारतीय जनता पार्टी और सरकार, केंद्र सरकार के मंत्रियों ने यह कहा कि राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं वो भारत का अपमान करते हैं। और इसका जवाब भी राहुल गांधी ने लंदन से दिया। लंदन में उन्होंने कहा कि मैंने कोई अपमान नहीं किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विदेश जाते हैं और कहते हैं कि पिछले 70 सालों में 60 सालों में कुछ नहीं हुआ, जो कुछ हुआ उन्होंने ही किया, तब वो भारत का अपमान दरअसल करते हैं। तो इसी पर माहौल क्या है और आम लोग देश के क्या मानते हैं कि क्या राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार की कार्यशैली की का विरोध करके या उनकी कमियों को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में वहां रख करके उन्होंने देश की साख को, देश की छवि को खराब करने का काम किया, या जैसा कि राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी खुद ही विदेश जाते हैं तब वो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जिससे देश का अपमान होता है, देश की आम जनता, आम लोग क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए मैं दिल्ली में आम लोगों के बीच में हूँ। तो आपका क्या विचार है इस पर? मैं कृष्ण कुमार चौधरी, दिल्ली से, प्रॉपर दिल्ली से ही, यहीं के किसान हैं। राहुल गांधी का जो विचार है, क्योंकि वो चांदी की चम्मच और सोने की थाली लेके पैदा हुए हैं, देश की साख कैसे गिरानी चाहिए इन्हीं परिवार से पूछना चाहिए जो 70 साल तक देश को लूटते रहे। इन्होंने देश की साख गिरा दी शुरू से कि इस समय? नहीं, शुरू से भी इन्होंने साख गिराई है देश, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी। हाँ, देश का बंटवारा करके जिन्ना के साथ मिलके इन्होंने जो ये कर्म किया था। देश का बंटवारा कैसे हुआ था? देश का बंटवारा आपसी सहमति से हुआ था, जिन्ना की और नेहरू की, दोनों की सहमति थी। वो उसको पाकिस्तान चाहिए था, इनको इंडिया का प्रधानमंत्री बनना था। मैं सच बोल रहा हूँ ना? नहीं। अच्छा, आप बताइए। अब छोड़िए इतिहास का, हम कितना बताते चले, तो ये सब आपको कहाँ से पता चला? ये हमारी जनरल नॉलेज है। कहाँ से जनरल? हमारे माता पिता ने बताया, हमारे दादा ने बताया। पुराने किले के अंदर हमारा गाँव नंगली रजापुर था, जो 1933 में खाली हुआ अंग्रेजों के। किताब भी पढ़े हैं कि खाली सुने? नहीं, सुन नहीं, के किताब भी पढ़े हैं। उनकी हिस्ट्री, उनकी हिस्ट्री सारी पढ़ी है हमने। कौन सी, कोई दो लेखक के नाम बताइए जो आपने विभाजन पर या भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर या मॉडर्न हिस्ट्री पर कोई दो किताब पढ़ी हो, दो लेखक के नाम बताइए, एक ही के बता दीजिए। सर, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी की जितनी भी बुक है वो सभी पढ़ी है। तो अटल जी की किताब का एक नाम बताइए। मेरी 51 कविताएं, जिसकी मैं आपको सारी कविताएं सुना सकता हूं। चलिए, है तो यही बढ़िया, एक कविता उनकी सुनाइए अच्छी। आज के टाइम में जो राहुल गांधी हैं और विपक्ष है, कौरव कौन पांडव कौन, ये टेढ़ा सवाल है। चारों ओर फैलाया शकुनियों ने कूट जाल है, धर्मराज जो बनते हैं छोड़ी नहीं है अभी जुए की लत। हर पंचायत में पांचाली आज भी अपमानित है, पर बिना कृष्ण के आज महाभारत होना है। कोई भी राजा बने कांग्रेसियों में से, रंक को रोना ही रोना है। और अब मोदी जी जो आए हैं वो रंक को राजा बनाने की ओर अग्रसर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विदेश यात्रा के दौरान उन्होंने कहा था कि पहले देश में लोग ये सोचते थे कि मैं इस देश में पैदा हुआ, इस तरह का बयान उनका बहुत वायरल भी है। उन्होंने कहा भी था एक जिक्र में कि जो यहाँ पैदा, देश में जो पैदा हुआ उसको लगता था मैंने पिछले जन्म का कौन सा पाप किया था जो यहाँ पैदा हो गया, ये बयान ठीक है? नहीं, ये बहुत गंदा बयान है। आप जन्म जहाँ हुआ है आपका, वो भारत देवभूमि है, जिसकी पूरा विश्व का जिसको संचालन करना है आने वाले समय में, वो देश भारत है, जो एक गुलदस्ता है। लेकिन उस बयान की उस समय इस तरह से चर्चा नहीं हुई कि उन्होंने देश में का अपमान कर दिया, राहुल गांधी की चर्चा हो रही जबकि वो सर ऐसा है एक लेक्चर देने गए थे। और आपको लगता है किसी नेता के बयान से देश का अपमान होगा? सर, ऐसे अनसमझ, जिनको समझ ही नहीं है, वो वहाँ जाकर बयान देते हैं जिन्होंने चांदी की चम्मच सोने की थाली देखी है। अरे, मैंने तो दोनों पक्ष का बता दिया आपको। नहीं सर, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अभी जो साख बढ़ी है देश की
वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वजह से बढ़ी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।